हिजाब विवाद के बाद कर्नाटक में आज से स्कूल फिर खुल गए। कई मुस्लिम छात्राएं फिर से हिजाब पहनकर भी आईं। पिछली बार की तरह स्कूल के बाहर मौजूद टीचर ने हिजाब पहनने वाली छात्राओं को गेट पर ही रोक लिया। कहा गया कि हिजाब हटाओ, स्कूल में प्रवेश पाओ। इस बार उतना विरोध नहीं हुआ और छात्राएं हिजाब हटाने पर मान गईं। ये कर्नाटक के मांड्या की तस्वीर है, जहां हिजाब पहनकर आई छात्राओं को स्कूल के बाहर रोका गया था। छात्राओं के माता पिता को तर्क दिया गया कि कोर्ट का आदेश है, इसलिए हिजाब उतारना ही पड़ेगा। छात्राओं ने आदेश का पालन किया और स्कूल में एंट्री मिल गई। तुमकुर में भी यही परिस्थिति दिखाई दी। यहां भी स्कूल में प्रवेश पाने के लिए छात्राओं को हिजाब उतारना ही पड़ा। लेकिन शिवमोगा में आज जब ये छात्राएं हिजाब पहनकर परीक्षा दे रही थी तो यहां इसका विरोध हुआ, जिस पर इन छात्राओं ने परीक्षा से ज्यादा हिजाब को जरूरी माना और उठकर चली गईं। कर्नाटक के अलग अलग शहरों की तस्वीरों से साफ है कि हिजाब का विवाद अभी थमने वाला नहीं। आज ये मामला कर्नाटक हाईकोर्ट में था और सबकी नजर कोर्ट की कार्यवाही पर थी। माना जा रहा था कि कोर्ट के रुख से सब साफ हो जाएगा। इस पूरे विवाद का केंद्र सिर्फ एक मूलभूत सवाल है, क्या शिक्षण संस्थान में धार्मिक वेशभूषा को पहनकर आने की संवैधानिक आजादी है या नहीं। संविधान के जानकार कहते हैं कि किसी भी शैक्षणिक परिसर में किसी व्यक्ति को उसकी अनिवार्य धार्मिक वेशभूषा के आधार पर नहीं रोका जा सकता। हालांकि उन्हें साबित करना होगा कि ये वेशभूषा धार्मिक रूप से अनिवार्य है। यही बात आज कर्नाटक हाईकोर्ट के सामने मुस्लिम छात्राओं की तरफ से याचिका दायर करने वाले वकीलों ने रखी। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान छात्राओं की तरफ से दलील दे रहे वकील देवदत्त कामत ने कहा कि हिजाब पर प्रतिबंध लगाने वाला सरकारी आदेश सही नहीं। सरकारी आदेश के अनुसार हिजाब पहनना अनुच्छेद 25 के तहत नहीं आता, ये पूरी तरह से गलत है। देवदत्त कामत ने अपनी दलील को मजबूत बनाने के लिए कहा कि मद्रास हाईकोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने फैसले में हिजाब को अनुमति दी है, इसलिए राज्य को भी ये आजादी होनी चाहिए। जिस तरह से सिख छात्रों के लिए पगड़ी की अनुमति है, उसी तरह मुस्लिम छात्राएं देश भर में हिजाब पहनती हैं। इस दौरान कोर्ट ने पूछा कि आखिर कब से शिक्षण संस्थानों में ये छात्राएं हिजाब पहन रही। इस पर वकील कामत ने कहा कि छात्राएं पिछले 2 सालों से हिजाब पहन रही। इतना ही नहीं, कामत ने हिजाब को धार्मिक एंगल से जोड़कर अपनी दलील भी दी। तो इस पर कोर्ट ने पूछा कि क्या कुरान में इसे इस्लाम का हिस्सा बताया गया है। तो इस पर कामत ने हिजाब पहनने के पक्ष में कुरान की आयतों का जिक्र करते हुए कहा कि कुरान में महिलाओं की नजर नीची रखने और खुद को पर्दे में रखने को कहा गया है। हिजाब विवाद के राजनीतिकरण के मुद्दे पर एडवोकेट मोहम्मद ताहिर ने कोर्ट से कहा कि मीडिया में याचिकाकर्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी दी जा रही है, इसलिए मैं मीडिया के खिलाफ निर्देश चाहता हूं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने मीडिया से अपील की, अगर आप सब कहें तो हम लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर सकते हैं, वही हमारे हाथ में है, हम मीडिया को रोक नहीं सकते। जहां तक चुनाव की बात है तो इस पर चुनाव आयोग को फैसला करना है। इसके बाद बहस को कल तक के लिए रोक दिया गया, यानी मामला टल गया और इस पर चल रही सियासत को टेक्निकली एक दिन और मिल गया। जो लोग सपना देख रहे हैं गजवाई हिंद का, मैं बहुत स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, ये नया भारत है। ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। वैसे हिजाब का विवाद धार्मिक रंग से ज्यादा राजनीति का प्रिय मुद्दा बन चुका है। अब ये तय है कि यूपी के 7 चरणों की वोटिंग इस पर गूंजती रहेगी। मुझे ये नहीं समझ में आता कि लोग अब बुर्के और कपड़ों पे क्यों आ गए हैं। मतलब हमारी सरकार इतनी नीचे आ जाएगी, इस तबके पे आ जाएगी कि लोगों के कपड़ों तक को नहीं छोड़ेगी। देखिए, ये सबको राइट्स है, हम हिजाब ओढ़े ना ओढ़े, हम क्या पहने, ये सबको राइट्स है। दूसरी बात, क्यों जब माने हमारे प्रधानमंत्री जी जब जाते हैं तो हर तरह का वेशभूषा पहन के खड़े हो जाते हैं। चाइना जाते हैं तो चाइना की टोपी लगा के खड़े हो जाते हैं, नेपाल जाते हैं तो नेपाल के बन जाते हैं, कहीं जाते हैं तो। और ऐसे योगी जी ने जब कहा है कि वो जो वाला कपड़ा होता है, कौन सा रंग कहलाता है, ऑरेंज वाला भगवा कलर जो होता है,
वो आप पहनिए, वो पहन के निकलते हैं, तो अगर हम हिजाब करते हैं तो उसमें क्या बुराई है, उनको क्या दिक्कत है? तो ये गलत है, आप किसी पे जबरदस्ती अपनी चीजें लादना, किसी एक कम्युनिटी के ऊपर कम्युनिटी को दबाना, उस पे जुल्म करना, ये कहीं से नहीं है। यूपी में दूसरे फेज की वोटिंग में ज्यादातर सीटों पर मुस्लिम वोटरों की संख्या का बड़ा असर है, लेकिन बाकी के पांच चरणों के लिए हिजाब का मुद्दा राजनीतिक पार्टियों के लिए ईंधन का काम करेगा। इस पर ध्रुवीकरण होगा और सारे जमीनी मुद्दे बैक सीट पर चले जाएंगे, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को सरकार की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा मानता है, ताकि मूल मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाया जा सके। ये मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रदेश में रोजगार नौजवानों को चाहिए, महंगाई से निजात चाहिए। प्रदेश में जो बिजली बढ़ा के भाजपाई 4.5 साल बिजली का दाम बढ़ा के लूटे हैं, 3 दिन चुनाव रह गया है तो आधा कर दिए हैं, तो पैसा लौटाएंगे पहले?